दुनिया भर के कई देशों में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की टीम नई खोजों और अवशेषों की जांच में लगी रहती है। कई बार इस दौरान कुछ प्राचीन जानकारियां भी मिल जाती है। इसी कड़ी में चीन के पुरातत्वविदों को खुदाई में मानव खोपड़ी मिली है। दावा किया जा रहा है कि यह मानव खोपड़ी करीब 10 लाख साल पुरानी है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर उत्सुक है कि आने वाले समय में इस अवशेष से कई नई जानकारियां सामने आ सकती है। दरअसल यह घटना चीन के हुबेई प्रांत की है। चीन के पुरातत्व विभाग की टीम के हाथ लगी यह खोपड़ी पेलियोलोथिक पीरियड यानी ओल्ड स्टोन एज के समय की बताई जा रही है, जिस पर स्टडी करने से रिसर्चरों को काफी मदद मिल सकती है। पुरातत्वविदों को यह खोपड़ी उसी साइट से मिली जहां साल 1989 और 1990 में भी दो खोपड़ियां मिली थी। ऐसा माना जा रहा है कि यह तीनों खोपड़ियां जिन लोगों की है वे एक ही समय के होंगे। जिस जगह पर यह अवशेष मिले हैं उस साइट की तरफ से बताया गया कि 10 लाख साल पुराने कुछ ही इंसानी जीवाश्म दुनिया में मौजूद है, इसलिए यह काफी उम्मीदों भरा चीज हो सकता है। हालांकि यह भी बताया गया कि खोपड़ी के अभी आगे की हड्डियां और कुछ अन्य पार्ट अभी तक मिले हैं। पूरी खोपड़ी को बाहर आने के लिए नवंबर तक का समय लग जाएगा। फिलहाल अब यह घटना चीन के वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे तो खुदाई में पूरी दुनिया में कई पुराने अवशेष देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मानव जीवन से जुड़े अवशेष हमेशा आकर्षित करते हैं क्योंकि यह एक व्यापक रिसर्च का मामला हो सकता है। फिलहाल अब जब अवशेष पूरा बाहर आएगा तो इस पर रिसर्च स्टडी तैयार की जाएगी। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।